गाइस हम निकल चुके हैं अपने धन्नों के साथ। यहाँ पे मेरे धन्नो हैं। क्या बोला तूने? और हम लोग जा रहे हैं अब मोटर ब्लॉगिंग करने। तो गाइस यहाँ पे बंदी को हेलमेट लगाने की एज में दोस्त को हेलमेट लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस मैं और मेरे दोस्त नल्ले बैठे हुए थे घर में, तो मैंने सोचा चल भाई घूम के आते हैं। तो उसने भी बोला हाँ भाई चल, क्या करे ऐसे ही है जिंदगी। जल्दी जल्दी निकाल ले, निकाल ले, ये मौका है, निकाल ले। और गाइस हमारा प्रो राइडर जीत गया। केरो को मिलता है एक फ्रूटी और दो लॉलीपॉप। यस, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। और गाइस जामुने पहुंचने वाले। किधर है जामुने? ओ भाई वो 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 अबे साले हाथ मत हटा। और हमारा फटके चार भाई को बोला धीरे चलाने को। इसका दिमाग इसके घुटने में, औरत नहीं है फिर भी। Oh my God! Wow! भाई यहाँ का रास्ता इतना पीसफुल है ना, मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। भाई कुछ गिरा है लगता है मेरे को। हाँ भाई कुछ तो गिरा है, कुछ फील हो रहा है मेरे को, रुक। और आ गया हमारा प्रो राइडर भाई। इसीलिए बोलते हैं सस्ती चीजें मत खरीद। एक तो मिल गया, साउंड तो यहीं पे आया था। हमारा भाई का खुशी का ठिकाना नहीं, इसका मिल गया एक लौता पार्ट। एक ही पार्ट था, साला दो चीज ढूंढा रहा था हमसे। मिल गया, शांति हो गया, खुशी। अबे ओए नीचे नीचे वाला नहीं है सच्ची में। कौन सा भाई? इसमें एक और होता है। ए मैंने उल्टा डाल दिया। ओहो चूतिया है तू। हम तो चूतिया है। गर्मी इतनी हो रही है, ये टी शर्ट में मैं पूरा काला पहन के घूम रहा हूँ भाई। मैं चूतिया वूतिया हूँ ना। बात तो सही है। तो गाइस इसको लुंगदर बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये तिरंगा जैसा फड़फड़ा रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे देखने से। और यहाँ पे थोड़ा ब्लैक से थोड़ा गंदा हो गया है धूल से। चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। तो गाइस मेरा दोस्त ने ढिंचक पूजा से भी बहुत अच्छा गीत गाया है। और यहाँ पे ब्यूटीफुल क्लाउड्स, स्काई बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया गाइस। What's up guys? Finally हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी और आप सबकी मंजिल। जामुने। भाई खाने वाला जामुन नहीं, जामुने प्लेस है। और आप चलिए अंदर एंट्री मारते हैं टिकट खरीद कर। भाई फ्री है ना? भाई टिकट लगता है। सच्ची में? हाँ भाई चल देखते हैं क्या है अंदर। दीदी नहीं है क्या यहाँ पे? मेरे को लगा फ्री है भाई। एंट्री फीस तो 20 है, हमको 60 क्यों लिया? भाई बाइक का भी लेता है चार्ज, तेरे को मालूम नहीं क्या? इसका भी चार्ज लेता है भाई। वहाँ पे देख एलिफेंट दो दो एलिफेंट फाइट कर रहा है, देख सकते हैं आप। ओम नमः शिवाय। घुमाते हुए इधर है पिग और इधर है सुअर। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा रास्ता बहुत ख़राब है, तो मुझे बाइक लाने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने बाइक को थोड़ा पीछे ही रख दिया है। यहाँ पे ज़्यादा ही ऑफ रोड है, तो हम लोग ऐसे पैदल चल रहे हैं लेक से, खड़ा 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 खड़क। किधर है भाई? काश बाइक चोरी ना होता भाई। बाइक पापा मेरे घर को निकाल देंगे बाइक चोरी हो गया तो। सूद देंगे पापा तेरे को भाई। तो मैं तो घर ही नहीं जाऊँगा बाइक चोरी हो गया तो। मैं घर लेके नहीं जाऊँगा ना भाई, रख ले एक दो दिन के लिए। ऐसा मत कर, तू मेरा भाई है। 10-20 ज्यादा ले ले मगर बस मगर रख ले भाई। हाँ तो गाइस चलिए अब स्विमिंग पूल में अंदर डुबकी मारते हैं, डुबकी मार के एक दो मछली निकालते हैं और घर में भूख के खाते हैं। अभी के लिए इतना ही। तो गाइस हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं। राजस्थानियों ये देख लो, पानी पानी का समुंदर। तो गाइस एक और एक्साइटिंग बात, मुझे पता था हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं स्विमिंग करने और एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं लाए यार। आप कृपा करके आप स्विमिंग पे जाए तो एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाए यार। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।
ओहो, यहाँ पे फ्लेक्स दिखाने का एक और तरीका, देख सकते हैं भाई सिक्स पैक दिखा। ये रह, ये दे, मैं रख लूंगा। क्या माल है यार। अक्षय कुमार सस्ता पोस्ट देते हुए, ओह माय गॉड, मैं इसका फैन हो चुका हूँ। तो गाइस अब मेरे से रहा नहीं गया इस पानी को देखते हुए, तो मैं अंदर एक ही बार में आ चुका हूँ। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा पौड़ी करेंगे, पौड़ी होगा अब यहाँ पे मेरे दोस्त के साथ। आजा भाई। साला खुद तो बॉक्सर लेके आया, मेरे लिए एक नहीं लाया। यही मेरे लिए एक नहीं ला सकता था। नहीं मैं आ चुकी है और यहाँ पे मेरा जल परी। गाइस अब हम लोग स्विमिंग पूल खेलेंगे, अब थोड़ा देर पूल पूल अंदर। भाई तेरे को तो स्विमिंग आ रहा है तो गाइस हमारा स्विमिंग कंप्लीट हो चुका है अब, और थोड़ा पेट पूजा करने जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ। बहुत भूख लगी है अब। ए सब कुछ खाने को दो ना सब। तो गाइस हम लोग फाइनल यहाँ पे रेस्टोरेंट आ चुके हैं, अब थोड़ा अंदर पेट पूजा करते हैं। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है खाने के लिए। तो गाइस हम लोग का पेट पूजा अब हो चुका है, पेट भी भर गया, अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। तो गाइस अब हम लोग घर की तरफ बढ़ते हुए, जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा पीसफुल और इतना मज़ा आया ना यार, क्या ही बताऊँ। यहाँ पर राइड करने का भी मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वेदर है, आप देख सकते हैं माउंटेन्स, क्लाउड्स, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा है गाइस। और यहाँ पे टर्निंग में हमें बाइक ऐसे लेंजिंग करते हुए, ओ मत कर बेटा, मेरे को इतना जल्दी ऊपर नहीं जाना भाई, प्रो राइडर है तेरा भाई, टेंशन क्यों ले रहे है। और यहाँ पे देख रहा मैं, ओहो ओहे, और यहाँ पे रोड भी बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं आप। ओहो यहाँ पे हेवन फील हो रहा है गाइस मेरे को, जन्नत जन्नत एक बार दिला दे बस। और हमारा एडी ब्लॉगर ऑफ रोड करने जा रहा है, बाइक का सीसी बहुत ज़्यादा इसलिए उतर गया। चलिए चलिए साहब जी, और भाई को थोड़ा आसानी हो इसलिए उतर गया, क्योंकि भाई को बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा उस रास्ते में, और मेरे को इसके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। ओ माय गॉड, एक ही बार में काट लिया भाई ने। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।